लॉकडाउन 45 से इन्होंने डब्बे भरने शुरू कर दिए। मैं इमरान खान का पैगाम देना चाहती हूँ, आपने घबराना नहीं है, आपने जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर हम माए घर से बाहर निकल आए हैं, आप मत डरें, हमारे पर दहशतगर्दी के केसेस हैं, हम नहीं डर रहे। आपने 21 को निकल के वोट डालना है, आपने सारा को लेके जाना है। मरियम नवाज को आवाज देंगे, आपकी सीट पर चोरी करने बैठी है, उसको शर्म नहीं आ रही, आपने ये सीट उसको नहीं दे दी है। लोगों की बड़ी तादाद हमने देखा निकल आई आज। ये हलका जो है ये 8 फरवरी को जीता था और फिर चोरी हो गया, और उस चोरी के ऊपर उन्होंने वो हलका कब्जा कर लिया। अब दोबारा इस हलके पे इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह ये दोबारा पीटीआई के पास जाए। इस दफा फॉर्म 45-47 का मसला तो नहीं होगा? मेरे ख्याल में फॉर्म 45 से इन्होंने डब्बे भरने शुरू कर दिए। हमने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन आज अपने भाई के लिए और अपने हलके के लिए आज निकले हैं। और आपको सबसे पहले मैं इमरान खान का पैगाम देना चाहती हूँ। आज हम अडियाला से होकर आ रहे हैं और उन्होंने सबके लिए एक पैगाम भेजा है। इमरान खान ने एक पैगाम भेजा है, आपको मैं ये बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है 19 अप्रैल को आपने सारे लोगों को भी निकाल लें, आपने ये नहीं फिक्र करनी, आपने घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपने पोलिंग स्टेशन से वोट डाल के बाहर बैठना है, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे लॉयर्स भी वहाँ पे मौजूद होने चाहिए ताकि आरओबी दफ्तर से अपना रिजल्ट लेके निकले। ये आज इमरान खान का अड्डाला से मैं पैगाम दे रही हूँ। दूसरी बात, आपको पता है कि हमारे भाई भी जेल में, हमारा भांजा भी जेल में, हमारे लोगों पर दहशतगर्दी के बच्चे हैं। हमारे भांजे को थोड़े दिन पहले मिलिट्री जेल में से गायब कर दिया गया है, हसान नियाजी को और इबाद फारूक को। इबाद फारूक शहजाद फारूक के भाई हैं, थोड़े दिन पहले उनको वहां से गायब कर दिया गया है। हम चाह रहे हैं, हम अपील करते हैं कि मिलिट्री जेल वाले हमें बताएं कि हमारा भांजा किधर है, वो ये भी बताएं कि हमारा इबाद फारूक लापता है, वो किधर है। आप लोगों ने इस चीज पे नजर रखनी है, आपने घबराना नहीं। अगर आज हम आपके सामने, जो घर से कभी नहीं निकले, हम आज आपके सामने आ गए हैं, अगर खवातीन घर से निकल आई हैं, मैं चाहती हूँ कि खवातीन सारी घर से निकले, आप घर से निकले नहीं, मत भी घर से बाहर निकलेंगे। अगर हम माए घर से बाहर निकल आई हैं, हम चाहते हैं आप मत डरें, हमारे पर दहशतगर्दी के केसेस हैं, हमारे घर वाले जेलों में हैं, हम नहीं डर रहे। आपने नहीं डरना, आपने निकलना है, 21 को निकलना है, आपने 21 को निकल के वोट डालना है, आपने सारा को लेके जाना है और आपने नहीं घबराना, आपने नहीं डरना, उसके खिलाफ खड़े होना है। मरियम नवाज को आवाज देंगे, मरियम नवाज को 25 सीटों पर हुकूमत कर रही है, आपकी सीटें चोरी करने बैठी है, उसको शर्म नहीं आ रही, आपने ये सीट उसको नहीं दे दी है, आप उसके लिए खड़े होंगे।